I'm gonna make my own pizza. सुशी, सुशी मैं बात कर लूं? अच्छा, आज मैं आप लोगों को पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। अब आपको पिज्जा बनाने से पहले उसकी तो डो चाहिए होगी, तो हमें डो बनाने के लिए मैदा चाहिए होगा। ओह नो, इसके अंदर तो मैदा ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? आइडिया सुशी, मेरे पास एक आइडिया आया है। हम क्यों ना पिज्जा डो की जगह पिता ब्रेड यूज कर लें? ओके गाइस, इस बार तो मैं पिज्जा डो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास मैदा नहीं है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पिज्जा डो से पिज्जा बनाने सिखाऊंगी। इस बार हम पिता ब्रेड यूज करेंगे। अब हम पिज्जा का चिकन बनाएंगे। पिज्जा का चिकन बनाने के लिए आपको 400 ग्राम चिकन चाहिए होगा। हाफ टी स्पून आपको ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिकन टिक्का मसाला, हाफ टी स्पून ओरिगेनो, हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून क्रश्ड चिली पाउडर। अब मैं इन सबको इस चिकन में ऐड कर देती हूँ। अब आपको 1 टेबल स्पून सोया सॉस चाहिए, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और 1 टेबल स्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट। अब आपने इन सबको मिक्स कर लेने। हाँ, मिक्स हो रहे। हाँ, थोड़ी सी देर में बन जाएगा। हाँ, खा लेना बाबा, सारा ही खा लेना। नहीं सारा नहीं, मेरे लिए भी कुछ। नहीं मेरे लिए भी। अच्छा, अब मैंने अपने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसे 15 टू 20 मिनट्स मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं अपनी पिता ब्रेड को रेडी कर लूंगी। ओके गाइस, मैं अपने चिकन में ना ऑयल डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें ऑयल 1 टेबल स्पून एड कर दिया था। अब मैं इसे पैन पे डालूंगी और इसे पका लूंगी। अभी 15 मिनट्स हो चुके हैं और मेरा चिकन अब रेडी हो गया। अब मैं इसे साइड पे रख दूंगी। अच्छा गाइस, अब मैंने यहाँ पे एक पिता ब्रेड लिया है और अब मैं इसे तवे पे दोनों साइडों से सेक लूंगी। नहीं, अभी तो सिर्फ पिज्जा की चीजें रेडी हुई हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं तैयार कर लूँ सुशी। अच्छा गाइस, अब मैं इसके ऊपर कुछ डालूंगी पिज्जा सॉस, आपकी मर्जी के आप जितना भी लगाएं। अच्छा बाबा, तुम्हारे पिज्जे के ऊपर ज्यादा सॉस डाल दूंगी। ओके। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन। आप चिकन, अब आपकी मर्जी है, आप जितना भी चिकन डाल लें। अच्छा ठीक है। अच्छा ना, जल्दी कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चीज। अच्छा ठीक है, हाँ दोनों मिक्स हैं।
चेडर और मोजरेला। अच्छा अब मैं इसके ऊपर ऑलिव्स डालूंगी। ऑलिव्स ज्यादा डालना है? हाँ हाँ ज्यादा ही डालूंगी। और इसके ऊपर थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी अनियन। थोड़े से अनियन। और अब मैं इसके ऊपर ओरिगैनो डालूंगी। बस अब हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है और अब मुझे इसे माइक्रोवेव में सर्व करना है। जी हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। मैंने इसे माइक्रोवेव से ना 2 मिनट 30 सेकंड्स बाद मैंने इसे निकाल लिया था। अब मैं इसे कट करती हूँ। अच्छा गाइस अब मैं अपने पिज्जा का स्लाइस खा चुकी हूँ। मैं आप लोगों को रिव्यूज देना भूल गई थी लेकिन ये पिज्जा बहुत ही मजे का था। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। अब मैं एक और स्लाइस खाती हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हे पिज्जा कहाँ गया? यार अच्छा ठीक है, मैं अपने लिए एक और बना रही हूँ। ओके सुशी तुम अभी तक घर नहीं गई? ओह सुशी तुम भी।